इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4x142 बालूगंज आगरा उत्तर प्रदेश, फर्म वर्धमान स्टील आगरा, जीवीएन मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा धौलपुर। भाभी जीवो, आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, भले ही आप उसे अनुभूति को सत्य माने या ना माने, पर सच तो यही है कि धर्म बिल्कुल बादाम पाक जैसा है। खाने में भारी है पर स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, और पाप है ना वो पाव भाजी जैसा है, पचने में हल्का है लेकिन शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, ध्यान रखना। धर्म तो बिल्कुल बादाम पाक जैसा है, उसी पर हमें फोकस करना है। कभी आपने अपने जीवन को गहराई से अनुभव किया हो, क्या है धर्म और क्या है अधर्म, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सुख है, क्या दुख है, सब कुछ अनुभव करते हुए भी आपकी दृष्टि कहाँ टिकती है। कल दोपहर के स्वाध्याय में यही विषय चला था, बड़ा अच्छा विषय था कि हर लोगों के दिमाग में आज एक ही बात आती है कि धर्मात्मा बड़े दुखी रहते हैं और पापी, दादागिरी करने वाले, बेईमान लोग, छल कपट करने वाले, षड्यंत्र करने वाले, ऐसे लोग बड़े सुखी होकर के जी रहे हैं। ये सोच है इंसान की, पर ये ज्ञानी की सोच नहीं है, अज्ञानी की है। आपसे पूछना चाहती हूं कि आप धर्म पर विश्वास करते हैं या अधर्म पर? विश्वास तो दोनों पर करते हैं, लेकिन कैसा विश्वास है कि धर्म से सुख मिलेगा, अधर्म से दुख? ऑल राइट, बिल्कुल राइट है आपकी यह सोच, किंतु अगर आपके भी दिमाग में यही बात चलती है कि पाप करने वाले, दादागिरी दिखाने वाले, बेईमान, ये लोग आजकल बहुत फल फूल रहे हैं, बड़े सुखी होकर के जी रहे हैं, बोलो कहीं ना कहीं मन के कोने में आपके भी यही आवाज़ आ रही है ना। हाँ, धर्म करने से हम बहुत ईमानदार हैं, सात्विक प्रवृत्ति के हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, पर हम तो दुखी के दुखी रहते हैं। चलिएगा, अब आपके लिए एक प्रश्न दे रही हूँ। सुख परलोकगामी नहीं है, जो अभी सुख भोग रहे हैं जरूरी नहीं कि वो परलोक में भी तुम्हारे साथ में जाए ही जाए। सुख परलोकगामी नहीं है, पर पुण्य धर्म ये परलोकगामी है, यानी परलोक में भी तुम्हारे साथ जाएगा। सच बात है, बात दिमाग में बैठी ना। जो दुख भोग रहे हैं अभी आप, वह परलोकगामी नहीं है कि परलोक में भी दुख साथ में जाए ही जाए, ऐसा कुछ नहीं है। किंतु जो पाप कर रहे हैं वह परलोकगामी जरूर है। अब प्रश्न हमारा यह है, जो सुख परलोकगामी नहीं है लेकिन जो पुण्य है, धर्म है, वो परलोकगामी है, आप किसके प्रति आदर सम्मान रखते हैं, किसके प्रति आपका इंटरेस्ट है, रुचि आपकी उस तरफ है या नहीं? या फिर जो दुख है वो परलोकगामी नहीं है लेकिन पाप जो कर रहे हैं वो परलोकगामी जरूर है, आपकी दृष्टि कहाँ है, उसके तरफ नफरत की दृष्टि है या नहीं? पूछना चाहती हूँ, उस पाप की तरफ आपकी दृष्टि नफरत भरी या इसको छोड़ने की त्याज्य हे दृष्टि है या नहीं? अगर है तो छोड़ क्यों नहीं पा रहे? एक क्रियाओं में पाप छोड़ना और एक विचारों से पाप को छोड़ना, उसमें बहुत अंतर है। हमारा जैन दर्शन बहुत गहरी बात करता है और आत्मा की अतलांत गहराइयों में डूब करके बात करता है। जैन दर्शन का कहना है कि बाहरी परिग्रह तो तुमने छोड़ दिया, वस्तुओं का परिग्रह तो तुमने छोड़ दिया, लेकिन दुर्विचारों का परिग्रह जो जोड़ कर रखा है उसका क्या? बाहरी परिग्रह दुख नहीं देता, दुर्विचारों का परिग्रह दुख देता है, उसको निकाल नहीं पाते हैं, उनको छोड़ नहीं पाते हैं। इंसान यहाँ पर अपने आप को अक्षम महसूस करता है,
असमर्थ महसूस करता है कि मैं अपने दुर्विचारों को कैसे छोड़ूं, वो मुझसे छूटते नहीं है, भीतर की बुराइयां मुझसे निकलती नहीं है, जिसके प्रति नफरत है, घृणा है, वो मैं छोड़ नहीं पाता हूं, क्या करूं, मैं कुछ समझ में नहीं आता। आकर्षण पाप की ओर है, पापी को चाहते नहीं है लेकिन आकर्षण पाप का है। बहुत ही कठिनाई है। आप किसी की सफलता को तो पसंद करते हैं, जरा और गहराई में जाइएगा। अगर कोई व्यापारी सफल है तो उसकी सफलता तो आप पसंद करते हैं, लेकिन सफल व्यापारी को पसंद नहीं करते, उसके प्रति नफरत, ईर्ष्या, जलसी की भावना क्यों होती है? अगर आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, सफलता पसंद करते हैं, तो सफल व्यक्ति को पसंद क्यों नहीं करते? अगर धर्म पसंद करते हैं तो धार्मिक धर्मात्मा को पसंद क्यों नहीं करते? प्रश्न ये है। देखो ना, वो है लंका सोने की, वो है लंका सोने की, पर उसका स्वामी कौन? रावण। हमारी भाषा पर देखो, ध्यान दीजिएगा, लंका सोने की। हाँ, हमारे हाव भाव को भी देखिएगा, लंका सोने की, पर उसका स्वामी रावण। इधर अयोध्या सीधी सादी, पर उसके स्वामी श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम तद्भव मोक्षगामी श्री राम। आहा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी रुचि, आपका झुकाव, आपका सम्मान, आपको पसंद क्या चीज आई, बोलो ना। श्री राम पसंद आए, अयोध्या पसंद नहीं आई आपको, हा? और उधर रावण और सोने की लंका में क्या पसंद आया आपको? सोने की लंका, मतलब आपकी दृष्टि कहाँ टिक रही है? सोने पे। जो सोने पे दृष्टि टिकाता है वो सोता ही रहता है, जागेगा कहाँ वहाँ। जागृति की और दृष्टिपात होना चाहिए, सुषुप्त चेतना को जगाना है तो ब्रांडेड होना चाहिए, अपनी लाइफ भी ब्रांडेड होना चाहिए। हर चीज ब्रांडेड पसंद करते हैं ना, गाड़ी, कपड़े, हाँ, जूते चप्पल, सब ब्रांडेड होना चाहिए। खाना पीना भी आजकल वही ब्रांडेड आ रहा है ना, सब कुछ ब्रांडेड होना चाहिए, तो अपनी लाइफ ब्रांडेड क्यों नहीं होना चाहिए? हमारा जीवन का व्यवहार ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? नैनों के लिए सही दृष्टि ब्रांडेड है। दृष्टि कैसी हो? सही दृष्टि हो, नजरों में कहीं से कुछ गड़बड़ ना हो, नजरें पवित्र हो, ये हमारे नयनों का ब्रांडेड दर्शन है। होठों का पवित्र मधुर आवाज हो, कटु आवाज ना हो, कठोर भाषा ना हो, मधुर भाषा हो, ये अधरों का ब्रांडेड काम है। हाँ, तो अपनी लाइफ का क्या होना चाहिए, जानना चाहते हैं? आज इसी पर चर्चा करते हैं। हम बहुत पसंद करते हैं ब्रांडेड चीज को, तो आज हमारा व्यवहार भी ऐसा ही होना चाहिए। सपोज आपने किसी सुंदर स्त्री को देखा या सुंदर पुरुष को देखा, किसी को भी देखा, उसकी सुंदरता आपके दिलो दिमाग में कितने दिन तक रहती है? जब तक कोई और उससे सुंदर ना दिखे तब तक, ज्यादा से ज्यादा, फिर उसको भी भूल जाते हैं, फिर कोई और सुंदर आ जाता है। लेकिन अब मैं आपको ले चलती हूँ, आपने कहा कि हम यहाँ से जयपुर जा रहे हैं, तो मैंने आपको थोड़ा सा काम दिया कि यहाँ से आगरा होते हुए जाइए और उनसे थोड़ा सा मिल करके जाइए, ये कुछ मैं ग्रंथ दे रही हूँ उन तक आप पहुँचा देना, ये बुक्स हैं, बहुत सुंदर पुस्तकें हैं, वहाँ आप लोग उनको पहुँचा देना। और पुस्तक का एक पैकेट मैंने आपको हाथ में दिया। जैसे ही आगरा आया, उस महानुभाव के पास में आपको ये पैकेट पहुँचाना है। आप उस एड्रेस तक पहुँचे और जाकर के देखा, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, लगभग 20-25 गाड़ी एक से एक मॉडल की वहाँ पर बाहर खड़ी है,
लगभग 20 चौकीदार है वहां पर, आपको लगा कि ये तो बहुत बड़ा अरब खरबपति व्यक्ति है। तो घर के बाहर ये सारा लश्कर देख करके आपने भीतर सूचना पहुंचाई कि मैं कुछ पुस्तकों को देना चाहता हूं। जरा महानुभाव जो हैं उनको खबर पहुंचाइएगा, मैं ये पुस्तक देना चाहता हूं। पैकेट की जैसे ही सूचना अपने अंदर पहुंचाई तो वे महानुभाव स्वयं, इनके पहनावे से ही लग रहा था कि खरबोपति व्यक्ति है, आपके सामने आए, पैकेट लिया, आपके हाथों से बड़े प्रेम की निगाहों से, और आपने दिया और आप वहां से जाने लगे तो उन्होंने अपने मधुर वचनों से विनम्रता से आग्रह करके आपको रोका, महानुभाव जरा रुकिए, यहाँ तक आने का आपने कष्ट किया है, अंदर चलिए, और आपको बड़े प्रेम से लेकर के गए। उनकी भाषा में इतनी मिठास थी कि आप ना कह ही नहीं पाए, और इतना बड़ा व्यक्ति है, इतना प्यार से बोल रहा है, आपको अंदर लेकर के गया, पास में बिठाया और गरम गरम भोजन कराया, फिर बड़े प्यार से आपसे पूछा, महानुभाव आप कैसे आए हैं यहाँ पर, किससे आए हैं? तो आपने कहा कि मैं तो लोकल ट्रेन से आया हूँ, लोकल ट्रेन पकड़ी और मैं यहाँ तक आ गया। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को संकेत दिया कि जाइए इनको गंतव्य तक पहुँचा दीजिए, जयपुर जाना चाहते हैं इन्हें अच्छे से वहाँ तक पहुँचा दीजिए। और आप जयपुर पहुँचने वाले थे कि उस खरबपति व्यक्ति का फोन आया, आप आराम से पहुंच गए, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको, इतना अच्छा आपके साथ में व्यवहार किया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि वो सुंदर चेहरा किसी युवक या युवती का आपको ज्यादा दिनों तक याद रहेगा, या कि उसका सुंदर व्यवहार याद रहेगा? सुंदर व्यवहार, बस इतना ही करना है हमको, शुरुआत अपने भीतर से करना है। अगर हमारा व्यवहार बदल गया, और व्यवहार तब बदलेगा जब हमारी वृत्ति, मानसिक वृत्ति बदलेगी, मानसिक वृत्ति बदलते ही शारीरिक प्रवृत्ति भी बदल जाती है, और इतना ही करना हमें, रोज अपने आप को शिक्षा देना है। जैसे आपको यहाँ पर शिक्षा लेना अच्छा लग रहा है ना, उससे कई गुना अच्छा लगे अपने आप को शिक्षा देना। इन सारी शिक्षाओं का निचोड़ यह है कि हमें अपनी मानसिक वृत्ति को सुधारना है। मानसिक वृत्ति सुधरेगी, कर्मोदय बदलेगा, कर्मोदय बदलेगा, स्वर बदलेगा, स्वर बदलेगा तो हमारा ज्ञानोदय हो जाएगा। बस अब हमें और क्या चाहिए, इतना सा काम करना है मानसिक वृत्ति को बदलने के लिए। जैसे बच्चे को प्यार से लेकर के बैठते हैं और उसे समझाते, देखो बेटा ये करना ठीक नहीं है, तुम किस खानदान के हो, किस वंश के वंशज हो बेटा, ये करना ठीक नहीं लगता तुम्हारे लिए, हाँ और फिर तुम बहुत अच्छे बच्चे होना चाहते हो तो फिर ये सब चीज़ें तुम्हें छोड़नी होगी। बस ऐसे ही हमारी माँ जिनवाणी हमें, हमारे ऋषि मनीषी यही समझाते, बेटा तो अरहंतों के कुल का है, सिद्धों का वंशज है, और फिर ये सारे काम करना, सप्त व्यसन करना, हाँ किसी से वाद विवाद करना, शराब पीना, जुआ खेलना, किसी को कुछ भी बोल देना, गलत व्यवहार करना, ये तेरे लिए शोभा नहीं देता। काही अरिहंतों के कुल कुल जाया, काहे जिनवाणी माँ को भी भुलाया, क्यों तूने संतों की बात न मानी, सिद्ध समान तेरी हरकत बचकानी, अपने ही हाथों तूने घर में क्यों आग लगाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई, चेतन अपनी ही महिमा न जानी। बिल्कुल खूब बात कही है, आपका मन भी इस बात को स्वीकार करेगा कि हम जैसे हैं वैसे जीना चाहते हैं, ऊपर में कुछ भी दिखावा नहीं करना चाहते, क्योंकि दिखावट में बनावट है और बनावट में गिरावट है।
बनावट में सजावट है और सजावट में गिरावट है। इसीलिए हम जैसे हैं वैसे जीवन जीना चाहते हैं। जैसे ही मतलब ऐसा जीवन हम अंदर से बनाएं कि लोगों के सामने अपने जीवन को पेश कर सके, इतना अच्छा जीवन हो। हम जैसे अंदर से हैं वैसे हम वचनों से बोल सके, काया से क्रियान्वित कर सके, ऐसे बने। लेकिन होता यह है आज 99.99% लोग दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, जैसे है नहीं वैसे दिखाना चाहते हैं। सुना था मैंने, फोटोग्राफर ने एक बाहर बोर्ड लगा रखा था और उसमें उसने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा था, 20 रुपये में फोटो खिंचाइए जैसे आप हैं वैसे, 20 रुपये में आप जैसे हैं वैसी फोटो खिंचाइए, और 30 रुपये में आप जैसा सोचते हैं वैसी फोटो खिंचाइए, और 50 रुपये में आप जैसा लोगों को दिखाना चाहते हैं वैसी फोटो खिंचाइए। क्या हुआ उसके फोटोग्राफर की दुकान पर? ना किसी ने 20 रुपये की फोटो खिंचाई, ना किसी ने 30 रुपये की फोटो खिंचाई। जितनी भीड़ आई सब 50 रुपये दे करके फोटो खिंचाने लगे। मतलब हम जैसे हैं वैसे जिंदगी तो जीते ही नहीं हैं, हम जो सोचते हैं वैसे भी जिंदगी नहीं जीते हैं, उसको छिपाते हैं, क्योंकि दिन भर में कितने बुरे परिणाम आते हैं उनको छिपाना चाहते हैं। और अच्छे परिणाम कभी आ गए, अच्छी क्रिया कर ली, उसको छपा छपा करके दुनिया को दिखाना चाहते हैं। जो असल में है वो हम जिंदगी जी नहीं पाते हैं, पूरी जिंदगी गुजर जाती है। और ऐसा ही हुआ है आज तक। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास में अच्छा बिस्तर नहीं मिलता, और जिसके पास में अच्छा अच्छा बिस्तर है मुलायम, उनको बेचारों को नींद नहीं आती है। जिसके मन में दया है ऐसे व्यक्तियों के पास में देने के लिए कुछ नहीं है, और जिसके पास देने को बहुत कुछ है लेकिन उसके अंदर में दया ही नहीं है, देने के भाव ही नहीं होते। जो रिश्ते की कद्र करना चाहते हैं इनके साथ में कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता, और जो रिश्ता रखना चाहते ही नहीं है, जिनके रिश्तों की कोई कद्र ही नहीं है, लोग उनके साथ में रिश्ता कायम करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4x142 बालूगंज आगरा उत्तर प्रदेश, फर्म वर्धमान स्टील आगरा, जीवीएन मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा धौलपुर।